चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं जो क्वेश्चन किया था। आज आज सिर्फ इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बाद जो भी होगा उसको डिटेल में जाएंगे। आप इसको फटाफट पढ़ लो और ग्रुप में चला जाएगा ये। सबसे पहले कि फेक न्यूज़ से रिलेटेड विधेयक जो पारित किया गया है वो किस देश ने पारित किया, तो सिंगापुर ने किया। फेक न्यूज़ से सब परेशान है और भारत सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान हो रहा है, तो सिंगापुर ने इस विधेयक को पास किया है। 2019 में किस न्यायालय ने जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है, जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। इसका कारण ये है कि दिल्ली में जो भी अभी मामला पेंडिंग चल रहा है कोर्ट में, तो इसमें कहा गया है कि अभी कुल टोटल 143 जज हैं और 43 और जज अगर हो जाते हैं तो एक साल में जितने भी मामला है वो क्लियर हो सकता है, जितना मामला वो क्लियर हो सकता है। इसीलिए इसको जितने भी दिल्ली के अधीन हाईकोर्ट ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया है और दिल्ली के जो भी जुडिशरी है उसमें इसको लागू किया जा रहा है। उसके बाद स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये ध्यान रखना है। उसके स्टार्ट करने वाला इसरो है। बिना GPS के चीटी रोबोट किस देश के द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने उसको विकसित किया है और इसके अंदर GPS नहीं लगा होगा। उसके बाद भारत का पहला कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो उसका आंसर है कर्नाटक के कृषि विश्वविद्यालय में भारत का पहला कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। भारत का जो एकदम लेटेस्ट संचार उपग्रह है GSAT-29, उसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूरोप का की कंपनी है एरियन स्पेस, एरियन 5 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। उसके बाद रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 100, 50, 100 या 150 जिसका होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आवर्त सारणी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा उसका वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो 150 वाला। दृष्टिहीनों के लिए रोशनी ऐप लॉन्च किया गया है IIT रोपर नोटों की पहचान करने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट अकाडमी जो बिहार में खोला जा रहा है वो मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। और मखाना की जो खेती की जाएगी उसके लिए एयर लेयरिंग पद्धति का यूज़ किया जा रहा है, और इसका यूज़ ना केवल दरभंगा मधुबनी जैसे क्षेत्र में किया जाएगा बल्कि पूरे बिहार में जहाँ भी मखाने की खेती होती है वहाँ पर किया जाएगा। तो ये रहा आज के फैक्ट, अभी कल से ये पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, एक्सप्लेन भी हम लोग अच्छे से शुरू करते चलेंगे।